ओके धनजी के संगे हाँ। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप कैंपिंग करने वाले हैं। तो आज का मौसम भी बहुत ही खतरनाक है। तो आज लोग हम कहाँ पर कैंपिंग करने वाले, ये बताओ। आज हम थोड़े जंगल के लिए जगह ढूंढेंगे। तो गाइस, पहले हम लोग जंगल में जाके मंगल करेंगे, मंगल नहीं सिर्फ टेंट के लिए जगह ढूंढेंगे। और चलिए अब वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अगला का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए ये चलते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आपको कैंपिंग की वीडियो। आज देखो, आज हमें पानी की कोई टेंशन नहीं होने वाली। जगह जगह पर बहता हुआ पानी देखने को मिलेगा, बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पिछली बार हम आए थे तब पानी बिल्कुल भी नहीं था, हमारे पानी पीने के वादे बहुत सारे हो रहे थे, है ना। आज हमने पानी पीने के लिए बॉटल भी नहीं लाई, कुछ नहीं लाया, क्योंकि हमें भरोसा कि आज हमें जंगल में पानी बहुत सारा मिलने वाला है ना। हाँ, नहीं कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई, पहाड़ की बारिश हुई रात को। तो भाई यार, मैं एक सांस में इतना सारा बोल चुका हूँ, तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना। तो भाई यार, आज हम पहाड़ के टॉप पर जाने वाले हैं। और यहाँ पर देखो, ये जो जंगली सुअर के घर है, ये देखो, जंगली सुअर ने गड्ढे बनाकर इस पे रहते। और आज ऐसी खौफनाक जगह पर जाने वाले हैं। तो यार, आज का ना एकदम क्रेजी वाला एडवेंचर होने वाला है हमारा। कहाँ पर लेके जा रहे हो वे, इतने ज्यादा पत्थर यहाँ पर। तो यार, पत्थर की वजह से ना चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सीताफल के पेड़ मिलेंगे तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। तो क्या पक्के मिलेंगे हैं? होप करते हैं कि हम लोगों को सीताफल के पेड़ यहाँ पर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। यार क्या बढ़िया लोकेशन है यार, यहाँ पर बैठ के ना एकदम चिल बातें कर सकते हैं हम चिल के साथ। ओ भाई, तो भाई यार, फाइनली कैंपिंग की जगह अभी तक नहीं मिली हम लोगों को। फाइनली क्यों बोल रहा हूँ, कैंपिंग की जगह अभी तक नहीं मिली,
पे यार ढूंढ रहे, लेकिन यहाँ से जो नजर आ रहे ना, क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है। भाई यार हम लोग यहाँ पर खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो हमने साथ में टमाटर भी लाया था, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, इसलिए हमने एक छोड़कर चार चार टमाटर लाए। और पिछली बार 200 रुपये किलो था, तो हम लोगों ने सिर्फ 3 लाए थे और वो भी छोटे छोटे थे, है ना, गिन के 3 थे वो। हाँ, वो भी 20 रुपये के यार, बहुत महंगे थे तब टमाटर और मिर्च भी। देखो हमने आधा गुंठा लगा दिया था उसमें, देखो यहाँ पर देखो तितलियाँ, और ध्यान से देखो यहाँ पर जंगली सुअर का आवाज आ रहा है। तो भी यार हम लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ना जंगली सुअर अगर आ गया ना, तो भाई अपना टेंट वेंट सब फाड़ कर चला जाएगा। ये देखो तितली यार, ये तितली हमारे फ्रेंड बन चुकी है और बहुत ही प्यारी लग रही है ना। सुअर नहीं रे, बंदर लग रहा है मेरे को। तो देखो पानी, और ये हमने आज कैंपिंग में खाने के लिए लाए पोहे, तो इसे धोना पड़ेगा, धोना है, कुछ तो करते हैं ना पहले। मुझे कोई साफ पता नहीं मस्त का आदर गजल गजल घेवरी घेवरी आना ना आने का गजल चलता है गमना बस काम तो ये काम करता हूं पाया की गरज चल 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 रो दियो चल रो कटस कर नो तिकडे भी गिर जा डर 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 अब यार मुझे आइडिया नहीं इसे पोहा को कैसे बनाते, आज पहली बार पोहा बनाकर देख रहे हैं। यही जो घिसे पिटे वाले चावल, इसे हम बना कर देखते हैं आज। मुझे उतना पोहा पसंद नहीं, लेकिन खाकर देखते भाई। ये देखिए हम निकल चुके हैं अपने टेंट की तरफ, गिर रहा हमारा टेंट। ये क्या कर रहा है ये देख, ये राइफल नहीं है, राइफल जैसे ही दिखती है। क्या मटेरियल जैसे के लेकर आपने धन जी की सुन रहे तब हाँ फुकुल तक भाई। देखो यार आज का पोहा हमारा व्हाइट ही दिखने वाला है, उसके ऊपर हम टमाटर खाएंगे साथ में, और ककड़ी लाई थी, ककड़ी फीकड़ी खाएंगे। ककड़ी की तो छोड़ क्या से हमारी ही आज की रेसिपी बहुत खतरनाक लग रही है, लेकिन मिसिंग हो गई हल्दी यार, हल्दी से थोड़ा व्हाइट लग रहा है, पोहा लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है साबूदाना बना है ना। तो भाई हम लोगों के पोहा पुआ पूरा रेडी हो चुका है, और हम लोग हमेशा की तरह खाने के लिए कुछ नहीं लाते। तो हम लोग ना हमेशा के लिए कुछ नहीं लाए, तो हम लोग खाने के लिए पेड़ के पत्ते ढूंढ रहे बड़े बड़े, जो कि वहाँ पर खाएंगे। लेकिन यार मज़ा बहुत आ रहा है। और ये देखो पीछे हमारे कितने बादल आ गए,
100% ऐसा होगा कि बारिश होगी, हम ना बारिश से पहले ही यहाँ से निकल ले आएंगे, क्योंकि बारिश से अगर होगी तो हमारे पास यहाँ पर छाता भी नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है हमारे सामान को ढकने के लिए, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे यार। ये हमारे पत्ते कुछ गया पानी जरा, पटेले बर काका हाँ थांबा हा चलिए गाइस, हमारा बीच में ही एक काम ज्यादा बढ़ गया। तो गाइस यहाँ पर बारिश आ चुकी है, तो पहले हम लोग वाटर प्रूफ कवर डाल देते हैं। तो भाई पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए शिफ्ट हो चुके हैं हम टेंट के अंदर, तो चलो टेंट के अंदर चलते। तो भैया हमारे साथ ये गलती हो जाती है हमेशा, हम वीडियो को चालू करना भूल जाते हैं यार। तो चलो चलते हैं हम घर की तरफ, है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने वाला है अभी। हमें अभी कुछ तो अटक चुका है पीछे, हमारे पीछे देखो की आपको एक बात तो पता होगी, हमारे गाँव में रान भूल बोलते थे, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ऐसे दिशा भूल, दिशा भूल बोलते थे। हाँ दिशा का मुझे कहाँ से आए थे वो पता ही नहीं चलता, हम और जाना कहाँ है, अकेले आए तो इधर जरूर भटक ही जाएंगे। तो यार रास्ता मिलना बहुत ही कठिन हो चुका है, क्योंकि हम ना बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके और दिशा भूल होती है हमसे, हमने मुझे 2-3 बार हो चुका है ऐसे दिशा भूल, गलत दिशा पर जाते हैं ना, उससे लगता है कि यार सही दिशा है, कुछ तो अटक गया पीछे। ऐसा मेरे साथ हो चुका था, मैं इस साइड जाने वाला था लेकिन मैं इस साइड आया और मुझे लग रहा था ये जो रास्ता सही है, ऐसा पता नहीं दिशा भूल हो जाती है। अब देखो यार फिर से हम आ चुके हैं नज़ारे की तरफ, ये हमारा व्यू पॉइंट, अब ये नज़ारा दिखा ना, अब हमें लग रहा कि हम सही रास्ते जा रहे हैं, तो चलो यार चलते। तो है जी बारिश आ रही है और गाड़ी के नज़दीक हम आ चुके, तो गाड़ी उठाते और निकले थे घर की तरफ, और वीडियो यहीं पर हम एंड कर दें, क्योंकि पता नहीं बारिश आएगी, क्योंकि बहुत बादल दिख रहे ना, बहुत कितने ज़्यादा बादल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें 1000 फैमिली तक पहुंचना है बहुत जल्दी। तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।